कारगिल युद्ध में दुश्मनों का सफाया करने वाले शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों ने सरकार से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे परमवीर चक्र विजेता की जीवनी या पाठ्यक्रम में स्थान दिए जाने की अपील की है। देश सर्वोपरि है, देश के युवा अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और देश को सर्वोच्च स्थान पर रखें, ये बात जीएल बत्रा ने कही। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा और माता कमला बत्रा का कहना है कि शहीदों की याद बनाए रखने के लिए उनकी स्मृति चिन्ह सार्वजनिक स्थानों पर होने चाहिए। वह देश की सुरक्षा के लिए कई लोग शहीद हुए, जिनमें से बहुत से परमवीर चक्र विजेता सैनिक हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता व सुरक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या उनकी जीवनी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए तथा शहीदों के जन्म दिवस और शहादत के दिन मनाए जाने चाहिए। वहीं उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि देश सर्वोपरि है, वह अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, वह चरित्रवान बने रहें और देश को सर्वोच्च स्थान पर रखें। कोई यादगार बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, शहीदों की यादगार को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि काफी विस्तार से करने वाली बात है। उनके स्मृति चिन्ह जो हैं वो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहां पर होने चाहिए और उनका जो है हमारे जो बच्चों की पाठ्यपुस्तकें हैं उसमें भी जो इस प्रकार के सुपर महानायक हैं तो उनके जो बायोग्राफी है उसको लाया जाना चाहिए, उनकी जीवनी शॉर्ट में लाई जा सकती है ताकि बच्चे पढ़ करके प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उनके जो जन्म दिवस होते हैं, उनकी जो शहादत के दिन होते हैं, उनको भी स्कूलों में मनाया जाना चाहिए ताकि उससे भी बच्चों को प्रेरणा प्राप्त होगी और उनकी जो स्मृति है वो बनी रहेगी सदैव। इस प्रकार के कई कार्यक्रम हो सकते हैं। कारगिल दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कारगिल दिवस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हमारी विजय का दिवस है। हमारी फौज ने, हमारे जवान सिपाहियों ने, हमारे जवान अफसरों ने दुश्मनों को धकेल करके अपनी बाउंड्री से बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा विजय दिवस है। इस प्रकार के दिवस जो है वो हमें सदैव मनाते रहना, मनाना चाहिए, इस प्रकार का जो हमने विजय प्राप्त की है, और ये इससे हमें गौरव भी महसूस होता है। युवाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि देश जो है वो सर्वोपरि है, वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और सच्चरित्र बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लिवलीहुड के लिए या रोजी रोटी के लिए इंसान कमाई करता है बस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देश का भी कर्ज उतारना है, हमारे युवा बच्चों को समाज का भी कर्ज उतारना है, उसके लिए ये है कि चरित्रमान बने और देश को सर्वोच्च स्थान पर रखें। कंट्री इज द सुप्रीम। शहीदों की याददाश्त में और उनकी शहादत में, उनके जो जन्मदिन हैं या शहादत के दिवस हैं या फिर कारगिल दिवस जैसे 26 जुलाई को आता है, वो सभी को मनाना चाहिए और उनकी याद जो है वो होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं उनको याद कर सकें।